दोस्तों नमस्कार। द न्यूज लॉन्चर के इस विशेष पेशकश में मैं रविकांत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लोकसभा चुनाव के मुहाने पर राजनीति बेहद आक्रामक हो गई है। एक तरफ राम मंदिर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक बड़ा पॉलिटिकल इवेंट कर रही है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकल चुके हैं। इस बीच में इंडिया एयरलाइंस को लेकर के भी बहुत सारी गहमा गहमी है, लेकिन राम मंदिर की राजनीति गोदी मीडिया पर चीख चीख करके पूरे देश में एक ऐसा गुबार पैदा करना चाहती है कि जिसमें सामाजिक न्याय का मुद्दा हो या दलितों के उत्पीड़न का, आदिवासियों के आत्मसम्मान के छलनी होने का मुद्दा हो या किसानों की बेबसी का, महिलाओं के बलात्कार के मुद्दे हो या फिर नौजवानों की बेरोजगारी का, ये सारी मुद्दे दफन हो जाएं, इसलिए ये सारी कश्मकश चल रही है। आज राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये कह दिया कि राम मंदिर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का एक पॉलिटिकल इवेंट है, बीजेपी तो पहले से ही हमला कर रही है राहुल गांधी पर, कांग्रेस पार्टी पर, लेकिन आज बेबस और लाचार दिखी बीजेपी और उसने राहुल गांधी के बयान के आगे एक साधु को लगाया। राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास, उनके जरिए एक बयान दिलवाया गया और राहुल गांधी पर हमला करवाया गया। महंत सत्येंद्र दास कहते हैं कि राहुल गांधी का बयान गलत है, हम तो सबको राम भक्त मानते हैं, जो भी आया है उसका हमने स्वागत किया है, कल कांग्रेस के लोग आए थे उनका भी स्वागत किया था। यानी राहुल गांधी राम मंदिर को लेकर के और ये जो पूरा आयोजन हो रहा है वो गलत बयानी कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने तो उन शंकराचार्यों की बात की। उन्होंने कहा कि इस देश के जो चार शंकराचार्य हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल इवेंट है, ये धार्मिक आयोजन नहीं है, क्योंकि इसका मुहूर्त लोकसभा चुनाव को देख करके निकाला गया है, ये मुहूर्त धर्म के शास्त्रों के आधार पर नहीं निकाला गया है। तो जो मुहूर्त ही धर्मों राजनीति को देख करके निकाला गया हो उसे कैसे आप धार्मिक आयोजन कह सकते हैं। शंकराचार्यों ने तो बहुत स्पष्ट रूप से कहा और धर्म ग्रंथों का हवाला दे करके कहा, शास्त्रीय मत के आधार पर कहा कि पूरा बना हुआ मंदिर ही प्राण प्रतिष्ठा के योग्य होता है, आधे बने हुए मंदिर में कभी प्राण प्रतिष्ठा हो नहीं सकती, लेकिन अभी आधे अधूरे मंदिर में उद्घाटन होने जा रहा, प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, और इसलिए उन्होंने कहा कि ये आयोजन धार्मिक नजरिए से, शास्त्रीय नजरिए से ठीक नहीं है और शंकराचार्यों ने जाने से मना कर दिया। राहुल गांधी ने भी इसी बात को कहा कि हम भी नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये आयोजन धार्मिक है ही नहीं। राहुल गांधी ने थोड़ा और अलग हट करके बात की। हम लोग राहुल गांधी को जानते हैं कि राहुल गांधी में वो नेहरू की विरासत है, वो अंबेडकर के विचार हैं, जहां वो लोगों के लिए राजनीति करना चाहते हैं, वो जानते हैं कि राष्ट्र का मतलब क्या है, भारत माता का आशय क्या है। उन्होंने पिछले चुनावों में भारत माता का अर्थ भी स्पष्ट किया था कि जिस भारत माता में वो मणिपुर की बहनें शामिल नहीं हैं, वो किसान शामिल नहीं है, वो अगर दलित और आदिवासी शामिल नहीं है तो वो भारत माता कैसे मुकम्मल हो सकती है। भारत माता इस देश के लोग हैं और भारत माता को
भारत माता की जय करने का मतलब है इस देश के लोगों की जय करना। लेकिन ये सरकार तो केवल नारे लगाती है और लोगों का अन्याय, लोगों से अन्याय और उत्पीड़न करती है, उन पर अत्याचार करती है, जुल्म करती है, उनके पास रोजगार नहीं है, महंगाई की मार से है और उन्हें 5 किलो राशन की लाइन में खड़ा करके रोज अपमानित किया जा रहा है, रोज उनके स्वाभिमान को छलनी किया जा रहा है। तब कैसे भारत माता की जय हो सकती है? राहुल गांधी ने संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता है, जो धर्मनिरपेक्ष मूल्य है, सिद्धांत है, उसके अनुसार बात की। उन्होंने कहा कि धर्म का निजी मामला है और धर्म के सिद्धांतों के आधार पर मैं अपनी जिंदगी जीता हूं, राजनीति नहीं करता हूं। धर्म को राजनीति के साथ गड्ढमड्ढ नहीं करता, उसको मिलाता नहीं, धर्म के आधार पर फायदा नहीं लेता, बल्कि धर्म के आधार पर जिंदगी जीता हूं। ये जो राहुल गांधी ने बात कही है वो उस संविधान और सिद्धांत की तरफ जाती है। और यहीं से भारतीय जनता पार्टी को ये कचोटती है बातें कि राहुल गांधी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के आ रहे हैं तो वो नरेंद्र मोदी के उस धार्मिक आयोजन या पॉलिटिकल आयोजन के बजाय लोगों के सवालों की बात कर रहे हैं। वो मणिपुर से दाखिल होते हैं और वो मणिपुर जो पिछले 8 महीने से जल रहा है, आज हम मणिपुर को मणिपुर से नहीं बल्कि कुकी और मैतेई समुदायों के आपसी जातीय झगड़ों के रूप में जानते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने मणिपुर को बांट दिया, विभाजित कर दिया, 2 टुकड़े उसके कर दिए और ये देश की एकता और अखंडता के लिए दुरुस्त नहीं है, ठीक नहीं है। ये जब सवाल उठा रहे हैं वो कि मणिपुर की महिलाओं के साथ जो हुआ और उधर खिलाड़ी महिला पहलवानों के साथ जो हुआ, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, लेकिन यहां पर तो पूरा एक पॉलिटिकल इवेंट चलाया जा रहा है और उसके जरिए लोगों के सवालों को खत्म किया जा रहा है या उनको दफन किया जा रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि इस देश की राजनीति के केंद्र में व्यक्ति को होना चाहिए, उसका उत्थान होना चाहिए, उसका विकास होना चाहिए, तभी देश का समूचा विकास हो सकता है। लेकिन बीजेपी तो चाहती ये थी कि कांग्रेस पार्टी को इस आयोजन में फंसाए और उसके बाद लोकसभा में उसका चुनावी फायदा उठाए। कांग्रेस पार्टी को आमंत्रित किया गया बाकायदा राम मंदिर के उद्घाटन में, श्रीमती सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को आमंत्रित किया गया, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि लाल कृष्ण आडवाणी को आमंत्रित नहीं किया गया, विनय कटियार, उमा भारती को आमंत्रित नहीं किया गया, या आमंत्रित किया गया तो उनसे ये कहा गया कि वो 22 तारीख को वहां नहीं पहुंचे। ये क्या है? उद्धव ठाकरे को नहीं आमंत्रित किया गया, अखिलेश यादव को नहीं आमंत्रित किया गया, तो ये क्या है? ये राजनीति है और कांग्रेस पार्टी ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इस आयोजन में नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार ने, अखिलेश यादव ने कहा कि हम बाद में जाएंगे और ये दुरुस्त है कि किसी पॉलिटिकल इवेंट में शामिल होने के लिए वो क्यों जाएंगे, क्योंकि इसे तो बीजेपी और आरएसएस ने हाईजैक कर लिया है, उसे अपने आयोजन के रूप में बना लिया है और उसके जरिए वो पॉलिटिकल फायदा उठाना चाहते हैं। यानी धर्म अपने निजी हित के लिए, पॉलिटिकल फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, यही बात राहुल गांधी ने कही। तमाम शंकराचार्य यही बात कह रहे हैं, तमाम और साधु संन्यासी यही बात कह रहे हैं कि ये जो अधूरा मंदिर है उसमें प्राण प्रतिष्ठा करना ये शुभ नहीं है, ये शास्त्र सम्मत नहीं है। तो राहुल गांधी जिस बात को कह रहे हैं, और अगर शंकराचार्यों ने इस आयोजन में पॉलिटिकल हस्तक्षेप नहीं देखा होता, अगर वो ये नहीं कहते कि ये राजनीतिक काम ज्यादा लग रहा है, धर्म का आयोजन कम लग रहा है, तो फिर कांग्रेस पार्टी को घेरा जाता, कांग्रेस पार्टी ने जो इनकार किया था उसे मुद्दा बनाया जाता है कि ये रामद्रोही हैं, हिंदू द्रोही हैं, ये राम मंदिर की वजह से परेशान है इसलिए नहीं जाना चाहते। कांग्रेस तो अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करती रही है, वो तुष्टीकरण कर रही है और इस आधार पर एक सांप्रदायिक विभाजन खड़ा करके
कांग्रेस पार्टी पर मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगा करके नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में जाकर के वो फायदा लेना चाहते थे, लेकिन तमाम धर्माचार्यों ने, शंकराचार्यों ने उनके उस पूरे एजेंडे में, उनके उस पूरे योजना में एक तरह से छेद कर दिया। अब वो कांग्रेस पार्टी पर ये इल्जाम नहीं लगा सकते, क्योंकि राहुल गांधी ने या कांग्रेस पार्टी ने यह भी कहा कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी रामद्रोही, तो क्या वो शंकराचार्य भी रामद्रोही है? जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्माचार्य हैं, क्या वो भी हिंदू विरोधी हैं जो नहीं जा रहे, जिन्होंने इनकार कर दिया है? लेकिन अब उन्हीं साधु संन्यासियों में से महंत सत्येंद्र दास को खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर हमले करवा रही। भारतीय जनता पार्टी की बेबसी और लाचारी समझ में आती है कि वो राहुल गांधी के, अगर उनके समझ को, उनकी चेतना को और उनके भारत जोड़ो न्याय यात्रा को काउंटर नहीं कर पा रही है, तो फिर हर तरह से राहुल गांधी को राम मंदिर के मुद्दे पर घेरना, और खुद नहीं अगर घेर पा रहे हैं तो फिर एक साधु के मार्फत ही करवाना, ये उसकी बेबसी को दिखाता है, ये उसकी लाचारी को दिखाता है। ये तो अभी मध्याह्न है, अभी इस पर और राजनीति होगी। और राहुल गांधी की न्याय यात्रा इस पॉलिटिकल इवेंट पर कहीं भारी तो नहीं पड़ेगी, ये भी साफ दिखाई पड़ रहा है। जो बीजेपी जिस तरह से हताश और निराश दिखाई पड़ रही, जो लाचार दिखाई पड़ रही, क्योंकि यहां तो साधुओं में भी विभाजन हो गया है। बहुत सारे साधु तो उस पॉलिटिकल इवेंट में जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने मना कर दिया है। तो ऐसे में राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को नहीं घेर पाना, ये लाचारगी है। लेकिन वो बुनियादी जो सवाल है, वो सवाल कहीं मजबूत होकर के ना खड़े हो जाएं, तो ऐसे में नरेंद्र मोदी की कहीं लुटिया तो नहीं डूब जाएगी, जो मंसूबा उन्होंने सोच रखा है, क्योंकि उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। उनकी ऐसी उपलब्धियां नहीं है जिनके बलबूते वो चुनाव मैदान में जाएं। तो राम मंदिर के घटाटोप में वो चुनाव को ले जाना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने तो ये बता दिया है कि वो धर्म के आधार पर फायदा नहीं, बल्कि धर्म जीने का तरीका है, और धर्म से, सिद्धांतों से वो जिंदगी जीते हैं और जीते रहेंगे। ये जो आयोजन है वो पॉलिटिकल ज्यादा है, इसलिए नहीं जाएंगे। बहुत शुक्रिया, आप देखते रहिए द न्यूज़ लॉन्चिंग।